चलो हम लोग अभी 13 क्वेश्चन शुरू करने वाला है, तो हम लोग यार कहाँ हो गए, स्क्रीन कहाँ शेयर नहीं हो रहा। चलो लोग 13 क्वेश्चन फटाफट फटाफट बनाइए, इसको देख लीजिए, 1 मिनट में फटाफट सॉल्व करना है, 1 मिनट सर 81 सर। में। एट ऑलरेडी वी हैव सॉल्व आई थिंक, राइट? या यस या सर। सो चलो देन 14th क्वेश्चन जाएंगे, तो हम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि। चलो हाँ बताइए, व्हाट इज आंसर ऑफ 14th वन, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। इफ ए इज इक्वल दिस वन गिवन बी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी सच दैट बी डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल 9 गिवन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। टकाटक टकाटक फटाफट फटाफट बनाना ये, कैसा? टकाटक टकाटक फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी उठाना इसको, बॉम्ब डाल के उठा देंगे इसको। गाइस एम आई रिकॉर्डिंग, एम आई रिकॉर्डिंग और नॉट? यस सर, यस यस। सर, यस सर। चलो चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलो फर्स्ट गाइस, हाँ सॉल्व द 14th वन, विल सॉल्व 12th वन लेट। आई थिंक 12th वन वी डिडंट डू, राइट? 12th वन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा सवाल है। चलो 14th वन, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन द मैट्रिक्स ए गिवन दैट दिस वन वी आर जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया। चलो राघव तो एकदम सिर पकड़ के सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है आंसर, क्या करूं। आया राघव? राघव नो सर। नो। चलो कोई ना, लुक एट दिस, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, राइट? ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए क्वेश्चन, बी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी, ए इज अ मैट्रिक्स गिवन, बी द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या दिया है, क्या दिया है इधर? ए मैट्रिक्स, ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ किसका है? मेरा नहीं, तेरा नहीं, बी का है। आया समझ? आया समझ? ए इज इक्वल एडजॉइंट बी। तो देखो बेटा, ये हैज गिवन डिटरमिनेंट ऑफ बी गिवन हियर, सो नाउ कैन आई अप्लाई टेकिंग डेट ऑन बोथ साइड्स, डेट ऑन बोथ साइड, डेट मतलब डिटरमिनेंट, ठीक है? सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज आई एम राइटिंग हियर, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स फॉर्मूला इज व्हाट, बी टू द पावर एन माइनस, एन माइनस वन। ये तो बनता है ना, आपको ये तो पता है ना फॉर्मूला, कितना आदमी को ये पता है, जल्दी मुझे फटाफट बताइए। चलो यस, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन दैट, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज व्हाट हियर, 9 गिवन, सो लेट मी राइट 9 हियर, 9 टू द पावर ऑफ एन क्या है, व्हाट इज एन हियर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर इज 3, सो 3 माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आई गॉट 81, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद। यस सर। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट नाउ एज पर द क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 माइनस 1, सो 1 माइनस 2, 1 2 लैम्डा माइनस 2, 1 3 माइनस 3 इज इक्वल 81 गो आई गॉट, सो आई हैव टू फाइंड आउट लैम्डा वैल्यू हियर, कांट इट इजी, सो -3 लैम्डा +6 +2 इनटू -6 +2 +1 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल 81। सो देखो अभी -3 लैम्डा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्रिएट है सम व्हाट स्पेस, ये क्रिएट सम व्हाट स्पेस, ओ हो, यस। सो -3 लैम्डा +6 -12 +4 +6 -लैम्डा इज इक्वल 81। सो व्हाट आई गॉट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर, लुक एट दिस नाउ, +6 +6 12 12 माइनस 12 गया गया तो गया, मुझे 4 लैम्डा मिला, तो 4 बचा, 81 बचा, तो लैम्डा कितना मिला, 4 कॉमन, 77/4। सो लैम्डा प्लस, यस नो डाउट, यस
77/4 beta. So here 77, 81 minus 4, 77 by 4. So minus 77. Minus 7, 74 by 4. A hoga hai mera answer. Options, yes, options. What are the options? Let's create the options. I did not give the options, right? Options given that first option is. Options hai toh maza aayega, nahi toh nahi aayega. All right? Yes, sir. Are you able to understand, guys? Yes, sir. You relate the things here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Lepakshi ready. You should talk something in class. Lepakshi, okay. Understood? Understood, sir. Good. Colonel. Colonel, gada nahi di? On, sir. Chalo. Next question. Oh, next question. I told that, you know, we'll solve this 12th one, right? Guys, 12th one. Make it first 12th one. How we are going to solve this? Guys, I told you a beautiful formula. Whenever we have number of objects, if I have three adjoints, I could make determinant of A to the power of n minus 1 whole to the power of 3. If I have four adjoints, I could write determinant of A to the power of n minus 4 to the power of 4. Very simple formula. There's a shortcut I told you. Just apply it over there and just relate the things. Make it fast. Tell me the answer within 40 seconds. Yes, guys, look at this here. The first and foremost step which you need to make is, yes, mujhe thoda isko thoda part isko dekho. Determinant of A given, so adjoint 1, 2, 3, 4 adjoints given, so can I write ye to banta hai. All right, yes or no? So determinant of A, n is what here? 3. 3 minus 1. 2. 2 to the power of 4. 16. Can I write? Yes or no? Yes or yes, no? Sir. Yes, sir. Yes, so, sir. Now I wrote, I have 16. Determinant of A to the power of 16 I have. So 4 to the power of 8 can be written as 2 square whole power of 8. 5 power of 16. So now look at this here. All powers are 16. All powers are 16. All power 16 hai, toh mujhe kya mila? मुझे क्या मिला, क्या फायदा है? देखो, if I have bases are same, I could add the powers. I multiply the powers to 2. Determinant of A is what? Plus or minus 10 or plus 10 or minus 10 या plus or minus 10? Plus or minus 10 या plus 10? Tell me which 10 I am going to write. Plus or minus. Plus or minus 10. Why? Or minus 10. Why? Tell me the reason. What is the reason behind that? 16, see, even, power 16 is a power. 60 power, the power 16 is an even number. So negative, if I have negative number to the power of even, always going to give me positive. So plus 10, even you do plus 10 whole square, and even do minus 10 whole square, which is going to be the same answer. So plus or minus 10. Okay. So determinant of A, what I got here, plus or minus 10 here. Now guys, tell me, do I need to? Yes. Now, oh ho ho, 1 second, bhai, ye kya hota hai, rehta hai? Chalo, now let us find determinant of A. What is determinant of A? X, 1, 1, Y, 2, 1, minus Z, 3, 8. X plus Y plus Z equal to? Let us take 10. Let us take 10. All right, so let us take plus or minus 10 only. I'll tell you what is that. So now, X, 4, minus 3, minus Y,
So 2 minus 3 minus z, 1 minus 2 is equal to plus or minus 10. So 4x minus 3x. 4x minus 3x means simple 1x you write. 1x minus plus y plus z is equal to plus or minus 10. So guys, shall I write? Here minus 10 is not possible. Why? Why tell me? Why? Because the condition, look at the condition, x, y, z is belongs to natural number. Natural number mein minus kahan se aaga, isko pakad ke aisa upar utha ke phek do udhar. Aaya samajh? Din 30 akad dhuram padhe se. It is not going to possible. Why? Because x, y, z are belongs to natural number given. So how come it's come? How come it is going to possible now? Yes. Now x, y, x plus y plus z is equal to 10 I got. Haan. Sir. अभी क्या करेंगे? Now what I am going to do? So now then the number of such matrices A is equal to what? Number of such A matrix is equal to what? So let A matrix given x, y, z belongs to natural number if adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of A given 4 power of 8 into 5 power of 16. So like this, how many matrices are going to be possible for this kind of question, guys? Let me tell you a shortcut for this kind of question. क्या बना रहा है सार ने आज डिजाइन डिजाइन. हाँ देखो, हम लोग यू मेट हैव हर्ड फ्रॉम यू नो योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेसन द फॉर्मूला विच इज एन माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर अरेंजिंग द थिंग्स फॉर सेलेक्टिंग समथिंग फॉर सेलेक्टिंग सम यू नो थिंग्स फ्रॉम आउट फ्रॉम selecting something from something. All right, for this kind of a look at this, for finding number of things, I'm just talking about then the number of such matrices he's asking us to find number of matrices which can frame, you know, adjoint of adjoint of like this. How many matrices are going to be possible like that, right? So what is n here? Tell me n kya mila mujhe, what is n here? 10 minus 1 c. R is what here? R is what? 3 here. Alright. So now what is going to be possible now? 9C2. 9C2 matlab 9 into 8 by 2. 72 by 2. Which is going to give me 36. So kitna matrix is possible, Aisa? 36 matrices 36. Are possible. So how come I supposed to solve here? See, n means here n minus 1. So number of solutions. What is n means not order of matrix here? Hum log previous pe karte the Aisa. Dekho. Determinant of a n minus 1 to the power of a, either kiya tha na n, we use order of matrix here, but that is not the case here. How many equations are going to possible? X plus y plus z is equal to plus 10 we got. So n is 10 here. C r minus 1, r is what here? Order of matrix. Clear? Aaya samajh mein? Aaya? Yes sir. Yes. So this is a basic question. So this is a shortcut which you need to. इसको मुझे अभी देखो बेटा, इसको थोड़ा ये क्वेश्चन को 5 स्टार होटल बना दो. क्या स्टोर? 5 स्टार. 5 स्टार होटल है, इसको 5 स्टार होटल बना दो. ठीक है, अंडरस्टैंड? चलो, दिस क्वेश्चन इज द 5 स्टार होटल. 5 स्टार क्वेश्चन. Yes, look at this. Now understood, guys? 36 is going to be my final answer. Clear? Yes sir. Chalo guys, shall we go for the next one? Yes sir. Oh, एक मिनट भाई, ये क्या कर रहा है? चलो, 15th one, make it fast. So when do we need to use that formula? If he asks you to find number of matrices, number of such matrices equal to, when he is given this kind of condition, adjoint of adjoint of adjoint, and if he is giving this kind of condition, when he is asking you to find number of matrices, number of such matrices, हम लोग permutation combination में चला जाएंगे.
कॉम्बिनेशनल कॉम्बिनेशन में चले जाके क्या करना है, n माइनस वन सॉरी n माइनस वन सी आर माइनस लगाना है. n माइनस वन इज वॉट हियर द इक्वेशन विच एवर यू सॉल्व द आंसर ऑफ दैट आंसर ऑफ दिस वन. आर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. उल्टा बना देना थोड़ा, देखो आया समझ. हाँ चलो, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 15th वन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस आर ब्यूटीफुल बट इसको थोड़ा ब्यूटी ज्यादा होगा. देखो a इज इक्वल टू aj 3 बाय 3 b a स्केलर मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, 9th रूट इक्वेशन. इज आस्किंग यू टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू k. देयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर. फर्स्ट यू फाइंड आउट done make it fast. Boys, क्या है? Guys, done. बताइए. Boys and girls, done. अरे यार कितना देर बनाओगे. Look at this here. What are you saying? Can you hear me? सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? Yes sir. Look at this. हाँ, देखो, it is a scalar matrix. Scalar matrix मुझे बताइए, what is the meaning of scalar matrix? ये होता है. Diagonal element supposed to be some constant. सब लोग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ये हमारा डायगोनल क्या है, के कुछ भी हो सकता है. दैट इज माय स्केलर मैट्रिक्स. एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्केलर मैट्रिक्स इज व्हाट, इसका रूट. किसका रूट, मेरा नहीं तेरा नहीं, ये इसका. व्हाट इज द सर, वी हैव लर्नड फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट इक्वेशन. यस,
But what is the ninth root equation? How do we need to find this, you know, ninth root equation roots? X power 6 common. Power 6 common. Ah, very good idea. तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक रूट तो मिल गया जीरो, x पावर ऑफ 6 इज इक्वल जीरो, मतलब x इज इक्वल जीरो, एक मिल गया मुझे, तो जीरो लेकर क्या करेंगे, अगर यू हैव, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग जीरो 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 इन प्लेस ऑफ के, इफ यू सब्स्टिट्यूट जीरो गाइस, इफ यू सब्स्टिट्यूट जीरो, बॉयज एंड गर्ल्स लुक एट दिस हियर, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, के 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 लिया, नाउ आई कैन टेक x x हियर, मैं लेता हूँ एक्स कुछ भी, एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट, इजंट इट, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सपोज टू बी इन कांस्टेंट नंबर, दैट इज माय स्केलर मैट्रिक्स, एज सिंपल एज दैट, इजंट इट, इज दैट इट, यस आर नो, यू अंडरस्टैंड और नॉट, यस, नाउ सपोज एक्स आर व्हाट, वो बताया, ही ओनली टोल्ड दैट द एलिमेंट्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स आर व्हाट, रूट्स, किसका रूट, ए इक्वेशन का, अगर देखो बेटा इसका रूट्स क्या मिलेगा मुझे, व्हाट आर द रूट्स आई एम गोइंग टू गेट फॉर दिस क्यूबिक इक्वेशन, Can I simply write x minus y whole cube? By देख लो a minus cube whole cube, a cube minus b cube minus plus 3 a square मतलब? Yes sir. X minus y whole. हाँ minus 3 a square b plus 3 a square b बनाओ, you will get the answer. A cube minus b cube minus 3 a square b plus 3. हाँ. All right. After applying over there, I got this x minus 3. x minus 3 whole square, sorry, x minus 5 whole square, x minus 5 whole cube, तो मुझे मिला है अभी देखो, now what is the equation, x is equal 5, I can't write 0 here, I can't write 0, I can't write x is equal 0, why, because if I substitute as a 0, it will become null matrix, it's talking about a scalar matrix, understand, so look at this now, अगर, हाँ, अगर ये ले हो, अगर if you are not understanding that, लेट मी गिव यू एन ऑप्शन, ऑप्शन देंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, आपको ऑप्शन ए गिवन दैट 5 पावर ऑफ 12 5 पावर ऑफ 9, ऑप्शन सी गिवन दैट 3 पावर ऑफ 12, ऑप्शन डी गिवन दैट 3 पावर ऑफ 9, हाँ मुझे ना, कैन आई राइट, नाउ कैन आई राइट दिस मैट्रिक्स एज 5 0 0 0 5 0 0 0, All right, this is my A matrix, which is a 3 by 3 order. Now, beta, tell me what is the determinant of this matrix? 5 cube. What I told you, you might have remembered that determinant of a scalar matrix is going to be product of principal elements. I have given you the roots. Go thoda notes jaake padh lijiye ek baar. Agar nahi yaad hai aapko. If you didn't remember that, if you don't remember that, you write. Please go through that. Clear? Understand? Yes, sir. Yes, sir. चलो, now determinant of A is equal to what? 5 cube I got. मुझे मालूम है, what he has given here? He has given the determinant of A into adjoint of A is equal to K given. Then find the value of K. Given. Now, can I split this one as? Sir, option B है sir. Option B है, सही है बेटा. बनाया, कौन बनाया? Yes, sir, because you know only it's power 9, sir. So 9 roots will get. So we got the x value 5. So 5 power 9 hoga, sir. In that case, 12 kyun nahi hoga? 12 bhi to hai. Because sir, polynomial sirf x power 9 tak hi hai na. Only 9 roots will get. Na. Very good option. So we have 9th root equation. It is a 9th root equation. So we'll be having 9 roots. So 5 power of 9 is the answer. अगर चेक कर लेके देखो बेटा ये भी सही है, वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच. सो लुक एट दिस नाउ, कैन आई स्प्लिट लाइक दिस, कैन आई स्प्लिट लाइक दिस? सो डिटरमिनेंट ऑफ ये तो मुझे मिला है 5 क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ ये मुझे व्हाट आई गॉट 5 क्यूब, एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1, सो 5 क्यूब एज इट इज, डिटरमिनेंट ऑफ ये व्हाट आई गॉट डिटरमिनेंट ऑफ ये 5 क्यूब n minus 1, n matlab 3, 2. So 5 cube into 5 power of 6, 5 power of 9. Any doubt here? No, any doubt?
चेक करके देख लो, 5 पावर ऑफ 9 मिला, एस आर नो, ऑप्शन बी अभिनव, दैट इज अ वंडरफुल अप्रोच, एक्चुअली दैट इज अ वाइज अप्रोच, व्हाई, बिकॉज़ सर 9th रूट इक्वेशन आई विल बी हैविंग ऑफ कोर्स 9 रूट्स, तो 9 रूट्स मतलब देखो आई हैव दिस, सो नाउ हां हियर द थिंग इज ही इज आस्किंग फॉर के वैल्यू, बट इट नीड नॉट टू बी 5 पावर ऑफ 9 ओनली आई गेस, सो व्हाई, बिकॉज़ ही इज नॉट आस्किंग अबाउट रूट्स, सो बेटर यू चेक इट आउट एंड राइट, नो बेटर यू कंफर्म विद दिस कैलकुलेशन एंड राइट अभिनव, आई वुड सजेस्ट दैट, कर लीजिए, एक सेकंड का बात है भाई, फटाफट माइंड कैलकुलेट करके थोड़ा कर लीजिए, सेफ जोन में रहोगे, इफ नॉट यू नो देयर माइट बी अ चांस ऑफ यू नो गेटिंग रॉन्ग समटाइम्स, देख ठीक है, चलो लुक एट द 16th वन दिया है, लेट ए बी सी एनी बी रियल नंबर, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, नॉट ऑल जीरो, सब जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है, सब जीरो नहीं है, देन x is equal this one given, y is equal this one given, z is equal this one given. अरे भाई कितना सा सिंपल क्वेश्चन, देखो आसान सा क्वेश्चन, a square plus b square plus c square plus 2abc is equal to what? Given x is equal to cy plus bz. Now can I write this equation as x minus cy minus bz is equal to 0? Yes, y is equal to az plus b cx. Can I write this equation as cx plus, so cx minus y minus plus az. All right, z is equal to given that bx plus ay given. So can I make it as bx plus ay minus az is equal to 0. So guys, now, mujhe bataiye, how I am going to get this relation? How I am going to this relation? Agar hai bhai, iska determinant nikalo. So matrix A. What write the coefficient of x? C B. One. All right. Coefficient of x y z I'm writing. All right. Clear? Is equal to zero. Yes, sir. If you make e is equal to zero, I'll be getting a relation. Look at this here. One. So plus one minus a square. So plus c minus c minus a b minus b. AC plus B is equal to 0. So 1 minus A square minus C square plus ABC minus ABC minus B square is equal to 0. If range is the name, is anta unada, we nanta DC paka padesa, ekada, right side padesa. Raghav, do you understand Telugu? No, sir. No. See here, what I have to do now, A square plus B square plus C square plus 2ABC is asking us to find. So look at this, the one I write here myself. I'm just shifting everyone right hand side. That is minus ABC, sir. Like one minus A square. Then we have wrote something wrong here. Then calculation, dekho. CB kahan miss ho gaya, dekho. Sir, idhar sir, bahar plus C hai. When we multiply it, so it will come minus only, na? Haan, minus C square. Right, so minus. So minus 2 times of ABC. Ho jata hai kabhi kabhi. देख लो ठीक है, आंसर इज व्हाट 1, तो आंसर क्या मिला मुझे 1 इज माय आंसर, कोई डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कॉमन सेंस, इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस, सिंपल लॉजिक, इफ यू अप्लाई योर सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस का बात है, ठीक है, अंडरस्टैंड, सो यू जस्ट राइट दिस इक्वेशन, इसका मैट्रिक्स बना दो, डिटरमिनेंट जीरो करो, मुझे मिल जाएगा आंसर, इतना सा सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा है, ही विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड टू दैट, ही विल बी यू नो ही विल बी गिविंग यू many questions to confuse you guys, देखो इधर not all zero दिया है, इसका मतलब क्या है, सब zero नहीं है, मतलब trivial का मतलब क्या है, trivial का मतलब क्या है, zero करना, determinant zero करना, बस zero करेंगे, determinant zero करेंगे तो मुझे relation मिल जाएगा, खत्म, answer खत्म बेटा, चलो shall we move forward now, shall we move forward, are we going fast, are we going fast, no sir, okay, no sir, no. चलो हम लोग अभी 7, यस सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो गाइस 17th वन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
Make it fast, make it fast. बेटा देख लीजिए, वेरी सिंपल. एक्स नॉट वाई नॉट इज एक्स नॉट वाई वाई नॉट जेड नॉट इज एनी सॉल्यूशन ऑफ द सिस एनी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस ही हैज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन वेयर जेड एन जेड जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो ऑप्शन ये दिया है वन, ऑप्शन डी दिया है टू, ऑप्शन सी दिया है थ्री, ऑप्शन डी दिया है फोर. All right, so guys, look at this here clearly. X naught, Y naught, Z naught is any solution here. Just let me clear one point here. So we have a solution here. Is a koi solution diya hai? Kya X, Y, Z koi solution diya hai? Tumne abhi determinant zero lagal do. If I make a determinant as zero, look at this. Two minus one, one. माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन टू वन. ठीक है, अगर इसको मैंने डिटरमिनेट करूं, इसका डिटरमिनेट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लुक एट दिस, टू माइनस वन जीरो 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 बन गया. देखो क्यों जीरो बन गया, देखो माइनस वन तो सही है उधर, जीरो बराबर बनेगा. ऑलराइट, फाइंड आउट डी वन. डी वन कैसा करेंगे, डी वन मतलब वन वन टू लिखेंगे पहला, कॉलम टू कॉलम थ्री सेम लिखेंगे. तो इधर भी जीरो मिलेगा मुझे, वन वन माइन वन वन, यस. सो डी टू में क्या मिलेगा, डी टू मतलब कॉलम वन विल बी सेम, कॉलम थ्री विल बी सेम, कॉलम टू विल बी रिप्लेसिंग विद दिस मैट्रिक्स. ऑलराइट, सो वन सो टू माइनस वन 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 टू वन वन टू माइनस वन टू वन. देखो इधर भी जीरो मिलेगा, व्हाई बिकॉज करके देख लो, करके देख लो, आपको जल्दी से समझ में आएगा. डी थ्री, डी थ्री मतलब कॉलम वन कॉलम टू विल बी सेम, कॉलम थ्री विल बी रिप्लेसिंग विद अ कांस्टेंट मैट्रिक्स. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग डी वन डी टू डी थ्री? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. द ट्रिक टू अंडरस्टैंड सर, सॉरी, दैट इक्वल टू जीरो. हाउ यू गॉट टू नो सर दैट डी वन इक्वल टू जीरो डी टू? कैसा देखो, इसको करके देखो बेटा, करके देखो, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा. देखो वन इंटू माइनस वन, नो सर, इज देयर एनी ट्रिक सर? मैंने बता रहा हूँ, देखो मुझे ये मिला है, सेम से मिला आया. मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था ना, प्रॉपर्टी में पढ़ाया था ना, अगर कोई दो एलिमेंट मैक्सिमम, देखो अगर कोई दो एलिमेंट सेम होता है रो में, वो जीरो ही होगा. देखो इधर क्या होगा, प्लस वन प्लस वन, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर माइनस वन, सो माइनस टू प्लस टू. देखो इधर जीरो होगा, इसको छोड़ो, देखो इधर माइनस थ्री होगा, थ्री होगा, देखो कितना जीरो है तो मिलेगा प्लस थ्री. आया समझ? सो दैट्स व्हाट आई वांट. सो अगर इधर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम और एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो आर सेम, तो क्या करेगा, मैक्सिमम जीरो होगा, जीरो. देखो देख, चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना. ऑलराइट, सो यस, दैट इज व्हाट आई गॉट टू नो आफ्टर सॉल्विंग. आई सॉल्व ऑल दिस, आई गॉट जीरो जीरो जीरो. ऑलराइट, ठीक है. सो अगर मुझे, देखो बेटा मुझे एक पता है, आई जस्ट गेव ए हिंट, आई जस्ट गेव ए नोट्स, जेई नोट्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में व्हाट आई हैव गिवन टू यू,
इफ माई डिटरमिनेंट d1 d2 d3 सब जीरो होगा तो क्या होगा? इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन. आया समझ? देखो बेटा, आई हैव गिवन यू डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो केस, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो केस. अगर डिटरमिनेंट नॉट जीरो तो एनी वन ऑफ द di शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ऑलराइट, एनी वन ऑफ द di शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. इसमें इधर सब डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3. d3 जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा? इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू. Please go through the notes. All right. That will be having infinitely many solutions. So now I got all zeros now. Either be zero, either be zero, either be zero, either be zero. Sub zero zero hai. So kya milega mujhe? What I am going to get? Tell me. Sub zero hai. Everyone is zero now. I'll be having infinitely many solutions. Infinitely many solution. Matlab, in that infinitely many solution, this is the one solution. This is the one solution. Which one? X naught, Y naught, Z naught. So mujhe abhi kya mujhe ye nahi milega mujhe abhi from these three equations. From these three equations. First, second, third. From these three equations, if I solve these three equations, can't I find out the x, y, z values and substitute it in the given expression and get the answer simply? Can't I get x, y, z values after, so before, you know, by solving the x, y, z, you know, equations, given equations, by solving the given equations, won't be I getting, will not be I getting x, y, z values? Of course, I'll be getting. Sir, then ye karne ka zarurat kya zarurat tha? ये करने का क्या जरूरत था? What was the reason behind solving this d, d1, d2, d3 and wasting our time? Tell me. मुझे कहां से पता होता था infinitely many solution बोल के? If I didn't solve this, from where I would have got to know that it has a, the system has infinitely many solutions. If I won't solve this, from where I come to know that it yes, is having infinitely many solutions. After solving d1, d2, d3, then only I come to know that the given system has infinitely many solutions. Clear? That is the reason tha beta. Yes, sir. Now abhi dekho. Now let us take any. Mujhe koi le liyo abhi. Mujhe, main le raha hoon abhi. Let J, aray yaar, ek minute battery low hai. Ek minute, thoda charging laga denge. Ek minute beta. Charging. Chalo, yes. Now if I take any one value, if I take one, ek aadmi ko, kisi ko, dekho abhi dekho, let maine z is equal to kya maan lo, koi constant maan lo, koi maine k maan liya. To maine k maan liya, to maine ek equation 1, 2, 3 se dekho, I'm substituting equation 1. Look at this, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what I'm going to get? So x, so 2x minus y minus z. Z मतलब k है, तो मैंने k लिख लिया. Is equal to 1. So equation 2 क्या है? Equation 2 क्या है? X minus y plus 2k is equal to 1 है. Look at this now. Look at this. In place of z, I'm writing k. देखो, that's what I'm writing. Yes, sir. So minus y here. So now, if I subtract 1 minus 2, मुझे क्या मिलेगा? देखो, this will go up now. 1x is equal to minus 3k is equal to 0. तो x is equal क्या मिलेगा मुझे? 3k. 3z. अरे 3x ना इधर. तो 3 x is equal k मिलेगा मुझे? तो if x is equal to k, then x is equal to 0. X is equal to z. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. X is equal k. तो ये तो relation मिल गया. So from equation 1 and 3 देखो. From equation 1 and 3, what I'm going to get? Look at this. 1 and 3. 1 तो मुझे पता है. X minus 2y plus z. देखो, equation 1 है 2x minus y minus k is equal to 1. So equation 3 है 2x minus क्या था? X minus 2y ना? X minus 2y plus k plus z, sorry, is equal to
टू है. तो मैंने क्या करता हूँ अभी इसको, व्हाट आई मस्ट डू, व्हाट आई मस्ट डू फॉर सॉल्विंग दिस, जस्ट ऐड करो. एडिंग तो x माइनस वाई क्या मिलेगा मुझे, एक. अंडरस्टैंड, x माइनस वाई इक्वल वन आई गॉट. तो x वैल्यू क्या था इधर, k. तो k माइनस वाई इक्वल वन. ऑल राइट. यस सर. तो हाँ, व्हाट इज y नाउ फ्रॉम दिस, व्हाट इज y, k माइनस वन, वन प्लस k. तो x वैल्यू, y वैल्यू, z वैल्यू आई गॉट नाउ. तो कांट आई सब्स्टिट्यूट ओवर देयर, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें अभी, उसको करके देखेंगे भाई क्या मिलेगा. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ना, y इक्वल्स टू k माइनस वन. यस सर, y इक्वल k माइनस वन. y इक्वल, हाँ या या, सॉरी सॉरी, y इक्वल k माइनस वन. यस, थोड़ा गलती लिख दिया, माफ कर दीजिए. ठीक है भाई, क्या है इधर, z नॉट, राइट, z नॉट. देखो तो जीरो जीरो इधर जेड नॉट दिया, तो जेड नॉट लुक एट इसका एक्स नॉट. सर यू गॉट एगर एक्स वैल्यू हियर, ही हैज गिवन एक्स नॉट. इसका मतलब क्या है भाई, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज अ सॉल्यूशन, व्हिच मींस एक्स वाई जेड वैल्यू, राइट, एक्स वाई जेड वैल्यूज ओनली. सो के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू के था. इसको सॉल्व करेंगे हमें, मुझे मुझे मिलेगा अभी क्या मिलेगा, देखो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू. तो मुझे क्या मिलेगा, के गया, ये गया, के गया, सो टू इज आंसर. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन आंसर इज, व्हाट क्या मिला मुझे, टू इज आंसर. माइनस टू कहाँ है भाई, ऑप्शन नॉट अवेलेबल, प्लस टू इज आंसर. क्लियर, ओके सर. ऑल राइट, देखो उधर माइनस वन प्लस वन गया, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर गया, टू के डिवाइडेड बाय वन के कितना मिला, तो यस सर, आया समझ. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट गाइस, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. क्लियर, यस सर. अगर मुझे, अगर मुझे ये डिटरमिनेंट कर क्यों करना पड़ा मुझे, वही आई हैड टू सॉल्व दिस ऑल डिटरमिनेंट्स, मुझे पता करने के लिए, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस पता करने के लिए. ऑलराइट, सो इफ आई हैव इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस, सो लुक एट दिस हियर, आई जस्ट टुक जेड इज इक्वल कोई कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान के आई जस्ट सॉल्व दिस वन टू थ्री इक्वेशंस, आई गॉट एक्स वाई जेड वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट इन द गिवन एक्सप्रेशन, आई गॉट द वैल्यू एज टू, दैट इज माई आंसर. क्लियर, कोई डाउट? यस सर, कोई डाउट? चलेंगे यार, यस चलो बेटा. 18th क्वेश्चन देखो, हाँ वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, अरे भाई वंडरफुल क्वेश्चन. देखो ये, दिस क्वेश्चन गाइस प्लीज, आई एम सॉरी, यू शुड नॉट टेक मोर देन 40 सेकंड्स टू सॉल्व दिस, मोर नॉट मोर देन 40 सेकंड्स, मेक इट फास्ट, नॉट मोर देन 40 सेकंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. टाइम अप भाई, इतना देर नहीं लेना चाहिए. देखो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस आज गिवन, देखो फटाफट सॉल्व करेंगे. इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन मतलब, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन मतलब फटाफट. हेलो, d1 d2 d3 0 equal to d1 d2 d3 क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए मुझे. देखो अल्फा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस म्यू इज आस्किंग फॉर, सो नाउ लुक एट दिस हियर. हां, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन मतलब आई नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री, इसका दादा दादी सब जीरो होना चाहिए. ठीक है, हाँ, लुक एट दिस नाउ, डिटरमिनेंट क्या करूंगा मैंने, एक एक एक, सो वन टू टू वन लैम्डा, बी केयरफुल, थ्री इज इक्वल टू जीरो. अगर इसको मैंने जीरो करूंगा तो आई विल बी गेटिंग अ रिलेशन विथ लैम्डा. ऑलराइट, इफ आई
find a determinant of this, I'll be getting a relation with the lambda, isn't it, guys? Do you agree with my point? Yes, ha, dekho, one, yes, one, so 6 minus 2 lambda, minus 1, so 3 minus lambda, plus 1, 2 minus 2, to isko chodo, 0 hai, to isko 0 se banao, so 6 minus 2 lambda minus 3 plus lambda is equal to 0, so mujhe mila hai abhi minus lambda is equal to minus 3, so lambda is equal to 3, theek hai, lambda is equal to 3 I got. How many of you agree with my point? Yes, sir. Yes. Chalo. Now look at this now. Determinant is equal to 0, I wrote. Now determinant 1. If I make a determinant 1, what I'm going to get? Look at this. Determinant 1, matlab? Determinant 1, matlab? The constant matrix supposed to be in the column 1. Look at this. All right. So you are writing like that. Your answer is 23, sir. 23. Very good, beta. Very good. Answer is what? 23 is right answer. Dekho, karenge. Look at this. Now, column 2, column 3 supposed to be same. Mane 0 bana raha hu isko. So 6 into 6 minus 2 lambda minus 1 into minus 1 into kya mila mujhe? Minus 1 into 30 minus mu into lambda plus 1 into 20 minus 2 mu. Dekho, beta, lambda value 3 I got. Lambda value 3 I got. So 6 minus 6 a to 0 ho jayega. Yes or no? Yes, minus yes, 2, 3 is 6. So minus 1 into 30. So 3 mu plus 1 into. Sir, instead of D1, we take D3 now, sir. Huh? Haan, koi le lo, bhai. Kuch bhi le lo. Problem instead of D1. Kuch bhi le lo, problem nahi hai. Dekho, instead of doing all this, guys, let us substitute 3 here. Mu equals to 10. Haan, let us substitute 3 here. 3 करके देखो इतना इतना करने का जरूरत नहीं है. All right. So substitute 3, lambda as 3 here. Now find out what you are going to get now. Mu कितना मिला? What is mu? 10. 10. 10. So therefore, lambda plus 2 times of mu is equal to 3 plus 23. How simple it is. How simple it is. Look at this. In the last question, what he has given, he did not give an infinitely many solution. Udhar koi condition nahi diya tha. Either condition diya tha. What kind of condition he has given? Infinitely many solution. Haan, infinitely many solution. Matlab, mujhe D1, D2, D3, D3, D2, sab zero hona chahiye. Agar mujhe, guys, no need of making all zero here. Determinant, D ko zero karo. Determinant, find, you find out determinant, I got one relation, which is lambda. Lambda. So I need lambda here. I need one more unknown thing is what here? Gamma. I mean, what is it? Mu. So for finding mu, I'll be finding D1 here. Or kuch bhi find out karo. Dekho, I substituted lambda value as 3 here. I calculated that. I got mu as 10. So after getting 10, I substituted over there. My answer is 23. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Next question, 19th one dekhenge beta. Guys, we are solving all types of questions here. Bataiye jaldi. The value of theta for which the system of equation sine 3 theta into x minus 2 theta. So 2y plus 3z is equal to 0. So cos 2 theta x plus 8y. Oh, very, very good question. Ayyo, Rama. तो ऑप्शन दिया है इधर, लेट मी राइट द ऑप्शंस. ये तो बोथ इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी गुड क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन n pi. सर नॉन ट्रिवियल मींस दैट इज नॉट इक्वल टू 0. हां एक मिनट. नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट जीरो. नॉट डिटरमिनेंट इज इक्वल जीरो ऐसा नहीं है. डिटरमिनेंट जीरो हो, डिटरमिनेंट कैन बी, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक गाइस. ट्रिवियल मतलब ये सब जीरो होना. नॉन ट्रिवियल मतलब ये नहीं जीरो होना. दैट इज अ डिफरेंट. इट डजंट मीन दैट डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो. भाई आया समझ? ओके सर. लेट मी राइट थर्ड ऑप्शन.
So look at this here. Can I find out determinant? What is the determinant here? First, sine coefficient of x is what? Sine 3 theta. Coefficient of x in second equation is cos 2 theta. So 2x minus 2, 8, 14, 3 minus 7, minus 7. 0 banao. Isko 0 banayenge. Guys, look at this here. We have to apply elementary row operation or column operation here for making the, for finding the determinant. For finding a sine theta or cos theta, we have to find, we have to use elementary row operation. We have to find a theta value, right? Mujhe theta value find out karna hai. Theta value kaisa find out karenge? By expanding a row or column. I mean, by using elementary row operation or column operation, isn't it? How I supposed to find out the theta value, guys? Mujhe ye theta value chahiye. How I supposed to find it out? Until and unless I get some equation or something like that, I can't find out theta value here. Mujhe equation mein aane ke liye, mujhe kya karna chahiye? I have to use elementary row operation, column operation. If I use so, theta value will become very easy to find it out. Clear? Yes, sir. So, what kind of elementary operation I should apply here? Tell me. मुझे देखिए इसको दोनों को देख के क्या चल रहा है आपको R2 R3 को देख के क्या लग रहा है हाँ here R1 is equal to देखो 2 into 4 which gives me 8 so मुझे R2 R1 can be changes as sometimes 4 times of R2 something like that yes sir R2 can be changing as R2 plus 4 times of R1 so it will become 0 All right, and R3 changes how? R3 changes R3 plus 7 times of R1. Aisa karenge. So what I'm going to get? Look at this here. So sine 3 to R1 will be same now. R1 will be same now. R2 plus 4 times of R1. मतलब इसका क्या मिलेगा मुझे? Cos 2 theta plus sin 3 theta. So let us write somewhat more. Sir, it will be 4 plus 4 sin 3 theta. Hmm? Cos 2 theta plus 4 sin 3 theta. I didn't get you. Achha, you are applying the formula here, cos 2 theta formula. You said R2 is equal to R2 plus 4R1, sir. Ah, so 4 times up. Yes, then 4 times up. Yes. Four. Yeah. Okay, so 4 times of R1 means 4. ये क्या बन जाएगा मुझे? 0 बन जाएगा. इधर क्या मिलेगा हाँ 12 मतलब 5 12 माइनस 1 ना तो R3 चेंज R3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ R1 तो ये बचेगा 2 प्लस 0 दिस विल बिकम 10 राइट समहाउ आई फाउंड टू वैल्यूज आर 0 हाँ देखो अभी क्या करेंगे इसको हाँ, now shall I expand along with the column 2? If I expanding along with the column 2. Expanding along column 2. Why I'm expanding along column 2? Well, because it has some zeros. So look at this. If I do so, minus half minus 2 into cos 2 theta plus 4 times of sine 3 theta. Into 10 वही है ना yes or no yes expanding along column 2 if I do so what I'm going to get will be yes minus so
2 cos 2 theta plus 8 sin 3 theta. There were 20 here. So it is getting something different, no? I think we made wrong here. Oh, guys, look at this. Expanding along with the column 2 means what? What I'm going to get? Look at this. Straight away, we can write it out. Dekho bhai, 0, 0 hai. So can I write here 2 times of minus minus plus? So 2 times of cos. Theta minus minus 2 of sorry minus of 2. Oh guys, 730, make it fast. So 2 plus yes is equal to 0. Can I write like this? If I expand, guys, look at expanding along with the column 2. If you do so, you're going to get this one. Solve this by simplify this question and you will be getting some theta value. Theta value, you'll be getting something related to the options. Look at this here, something related to the options. Find it out. See guys, till this will stop now. This is a homework for you. If you don't get, we'll discuss in tomorrow's class. Please, I have next class for your juniors now. So I have to immediately leave now. It's a 7:30. 7:30 to 8:30 have a class. So guys, look at this. Solve this question. If you don't get, you know, we'll continue from this. We'll continue from this. If aapko nahi samajh mein aa raha hai, toh we'll continue from this. Okay, sir. Okay, sir. And look at this. Yes, 20, 21, 22. Solve this question also. Ye aapka homework hai. If you don't get, we'll discuss, you know, we'll continue with this class, you know, with this session, like next class, with these questions in next class. So until then, goodbye. Thank okay, you. Okay, sir. Thank you. I'll be sharing these notes. Bye, sir. Thank you. I'll be sharing these notes with you all. No problem. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, I should leave, sir. Yes, you can leave. Thank you.